Hello, my dear kids. How are you all? Welcome back. I'm Vandana and we are doing Maths by Brain Root series. And here's a book. The name of your book is Mathematics Whirlwinds. And this is book primer. Today we will do chapter number 7. And the name is Months of the year. So let's start. How many months are there in the year? So there are 12 months in a year. Ek saal mein kitne mahine hote hain? 12 mahine hote hain. Each month has its own name. Har ek month ka apna khud ka naam hota hai. Jaise abhi humne padhe the na days of the week. To jaise har day ka khud ka naam hota hai. वैसे ही हर मंथ का भी अपना खुद का नाम होता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोम. 12 मंथ्स इन अ ईयर, लेट्स लर्न माय डियर. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि टोटल 12 मंथ्स होते हैं वन ईयर में. और जल्दी से चलिए इन सारे मंथ्स को पढ़ते हैं. द ईयर स्टार्ट्स विद जनवरी एंड एंड्स विथ डिसम्बर. अब से ये जो थर्ड लाइन है इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ईयर है वो कब स्टार्ट होता है? जनवरी से स्टार्ट होता है. एंड एंड कब होता है? ख़त्म कैसे होता है? दिसंबर से ख़त्म हो रहा है. तो जनवरी में ईयर स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है. नाउ लेट्स से देम वन बाय वन. तो जल्दी से चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से है ये मंथ्स. सो जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो दीज आर द मंथ्स. इजंट इट इजी टू रिमेंबर? तो कौन कौन से मंथ है? जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो व्हाट आर द स्पेलिंग्स? जे ए एन यू ए आर वाई, जनवरी. एफ ई बी फेब, आर यू रू ए आर वाई अरी, फेब्रुअरी. एम ए आर सी एच, मार्च. ए पी आर आई एल, अप्रैल. एम ए वाई, मे. जे यू एन ई, जून. जे यू एल वाई, जुलाई. ए यू जी यू एस टी, ऑगस्त. एस ई पी टी ई एम बी ई आर, सेप्टेम्बर. ओ सी टी ओ बी ई आर, ऑक्टोबर. एन ओ वी ई एम बी ई आर, नवंबर. एंड D-E-C-E-M-B-E-R, December. So these are the months: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So these are the months. Learn their spellings and their names. So with this, children, we have completed this chapter. And tell me when your birthday comes in which month. So learn the spelling of these months. I'll be meeting you soon with a new video, children. Until then, stay tuned and thanks for watching.